अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान और आज मैं मौजूद हूँ पेशावर में इरफानुल्लाह के साथ। ये बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं और इन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। थोड़ा सा मुलाकात का मकसद बता देते हैं। पिछले में 2.5 घंटे तो हो गया मैं बैठे हुए, बिल्कुल 2-2.5 घंटे से गुफ्तगू चल रही थी। फादर, हमारे पास बहुत से अफगानिस्तान के कस्टमर होते हैं, मगर ये कि चूँकि हम गुजरांवाला में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, और अफगानिस्तान चूज़ा भेजना करना बहुत मुश्किल हो जाता हमारे लिए। और फिर अल्टीमेटली ख़ास तौर पर मैं एड्रेस करूँगा अफगानिस्तान के फार्मर्स को। डेली हमें 15-20 के करीब फार्मर्स टच कर रहे होते हैं, और अफगानिस्तान की मार्केट भी काफ़ी माशाल्लाह बढ़िया है। अभी पूछते भी हैं इरफान साहब से, खान साहब से। तो मैं थोड़ा सा कह लें कि शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इरफान साहब का कि इन्होंने हमारा हाथ डलवाया, और इस वक्त तक 19,000 चूज़ा हमारा अफगानिस्तान जा चुका है। तो ये था कि हमें नहीं पता था कैसे जाना है, तो इरफान साहब को हमने भिजवाया, इन्होंने आगे माशाल्लाह जो है ना वो मूव करवाया। तो सबसे पहले तो मैं अब कह लें कि खुद चुप करके इरफान साहब की तरफ आता हूँ। इरफान भाई, थोड़ा सा आप अपना तारफ करवा दीजिएगा हमारे पाकिस्तान के फार्मर्स के लिए भी, और अफगानी फार्मर्स के लिए ज़रा पश्तों में बता दीजिएगा कि आप कब से इस काम में हैं और आप किस किस बर्ड का काम कर रहे हैं, जिस तरह आप बता रहे थे वाइट लेयर वगैरह। मेरा जी नाम इरफानुल्लाह है, मेरा पेशावर से ताल्लुक़ है, और मैं तकरीबन 8-10 साल से फार्मिंग में काम कर रहा हूँ। ये मैं मुख्तलिफ ब्रीड्स पे एस्ट्रोरोफ लोहमेन आर यार वाइट लेयर पे मैं जो है ना मेरी जो ब्रीड है उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और ये मैं जी अफगानिस्तान मैक्सिमम मेरा काम जो है ना मैं अफगानिस्तान ये टेक्यूटी देता हूँ इन बर्ड्स का। माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह लोहमेन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ब्रीड है, और हमने बहुत फार्मर्स को दिए ये अफगानिस्तान जो है ना वो माशाल्लाह हमें फीडबैक बहुत अच्छा मिला है इसका। तो इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहे, इंशाल्लाह गुजरांवाला से जो है ना इंशाल्लाह पेशावर तक जो है ना इंशाल्लाह, और फिर वहाँ से अफगानिस्तान तक वो आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, सिख सलामत इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा बताइएगा कि अफगानिस्तान अभी किस किस बर्ड की मार्केट है, मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ। खान साहब माशाल्लाह खुद ब्रायलर के फार्मर हैं, इन्होंने बहुत से इंडिजनस ब्रीड जिसमें कह लें कि ऑस्ट्रोलैब हैं, RIR है, बाकी असील हैं, बाकी सारे रखे हैं, और ये माशाल्लाह वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर जो इधर से अफगानिस्तान चूज़ा भेजते हैं। तो अभी कौन कौन सा चूज़ा आपके थ्रू जा रहा है अफगानिस्तान? अफगानिस्तान जो है ना वाइट लेयर का जा रहा है, और लोहमेन का जा रहा है जी, और चूज़ा ये जो है ना बड़ी सारी भी जा रहा, गोल्डन मिस्री भी और बॉयलर भी जा रहा है जी। लेकिन मेन जो है ना मेरा जो है ना वहाँ अफगानिस्तान का जो है ना जो मैक्सिमम मैं बेचता हूँ ना वो मैं लोहमेन बेचता हूँ, और एस्परोफ बेचता हूँ वाइट लेयर। ये तीन ब्रीड जो है ना ये मैं क्वान्टिटी में बेचता हूँ। अभी खान साहब को हमने बताया कि ऑस्ट्रोलैब तो कोई ब्रीड नहीं है, आप लुमन ब्लैक पे आए, ये पूरी डेमोंस्ट्रेशन हमने दी है, और खान साहब बड़े खुश हुए हैं, कहते हैं असल में ये कि उधर थोड़ा सा हमारे अफगान भाइयों को अभी नहीं पता, तो ये इसकी ओरिएंटेशन देंगे। तो इरफान भाई थोड़ा सा बताइएगा कि अफगानिस्तान चूज़ा जब पहुँचेगा तो हमारे फार्मर्स को किस किस जगह मिल सकता है, और क्या उनको जिंदा एक्टिव चूज़ा ही मिलेगा? बिल्कुल, ये जो है ना हमारा जो है ना ये आपकी हेचरी से जो है ना मार्को अफगानिस्तान जलालाबाद में जो सिटी है मार्को, हमारी गाड़ी ज़्यादातर वहाँ जो है ना स्टॉप करती है, सही है। और मार्को से आगे भी जो है ना हम फिर डिलीवरी दे सकते हैं काबल, कुंदूस वगैरह जला, उसके बाद जो है ना चमन के थ्रू भी हम बेच सकते हैं, कंधार साइड पे भी हम बेच सकते हैं। और चूज़ा जो है ना इंशाल्लाह जिम्मेवारी के साथ उनको चूज़ा इंशाल्लाह सही सलामत वहाँ गिन के उनको मिलेगा, वो इंशाल्लाह ये जिम्मेवारी से हम चूज़ा जो है ना प्रॉपर तरीके से, क्योंकि चूज़े की हमारी अपनी एक स्पेशल गाड़ी होती है जिसमें ये चूज़ा जाता है ना, उसमें वेंटिलेशन का सिस्टम भी हमारा सेट होता है, बिल्कुल बराबर होता है। तो इंशाल्लाह मोर्टेलिटी वगैरह का कोई मसला नहीं, मतलब मसला वगैरह या चांस तो वगैरह नहीं। खास साहब थोड़ा सा आप हमारे अफगान भाइयों के लिए अगर पश्तों में बता सकें, आप अपना नंबर बता दें, हम नीचे मेंशन भी कर देंगे, और सेकंडली आप बता दें कि बुकिंग का क्या आपसे तरीकाकार होगा। और हम ये कर रहे हैं कि हम ना इरफान साहब को अफगानिस्तान का डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं, जितना भी अफगानिस्तान चूज़ा जाएगा वो इरफान साहब के थ्रू जाएगा, तो आप जितने लोग हैं वो ऑर्डर करेंगे इरफान साहब को, इरफान साहब हमारे साथ जो है ना वो चूज़ा उठा के आगे इनकी ज़िम्मेदारी है पहुँचाना, पेमेंट लेना, हर चीज़। तो आप थोड़ा सा अगर हमारे फार्मर्स को पश्तों में बता सकें तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। बिल्कुल, मैं अपने अफगान भाइयों के लिए तौर से पश्तों में जो है ना बात कर लूँगा। अजी तासुदा से चल रही जी तासो चेहरे का ना चूज़ा ना बिल्कुल बेफिक्रोस हैं, तासो तब इंशाल्लाह अफगानिस्तान तक बिल्कुल सही सलामत चूज़ा दर का हुआ,
सही था दही चौदह दही हेचरी से था गुजरावाला के था और गुजरावाला ना पेखावर था और ब्या पेखावर ना बता तुम मार्को पहुँचा सही था बिल्कुल बगरेंटे बांधे दर को इंशाल्लाह मार्को ना था सोचे मख के वारे काबल या नूर सिटी था तो वारे का ना तो आगे तमूंगा था तो डिलीवरी दर कूलिश हुआ और इंशाल्लाह खुद बजी मवारे बांधे खस्ता चूजा बता सोता दर्जी और पेमेंट जी दरी तरतीब दास है देखा ना पेमेंट था सो तम दरी पता था पेमेंट दरी टोट कैश हुआ सही था पेमेंट एडवांस हुआ सही था सुबह पहला बुकिंग करें सही था बुकिंग ना बाद बचे थे हे चिरोग दिया गया ना ये औरत पहले बता सो पेमेंट मुंग पूरा करें सही ना और ब्या इंशाल्लाह तास तुम इंशाल्लाह चूज इंशाल्लाह खूब सही सलामत इंशाल्लाह डिलीवरी दर कहूँ और नो इंशाल्लाह तास बेफिक्र से खस्ता चूजा बता सो तो दर दी और सही सलामत चूजे भी इंशाल्लाह तास होता दर दी इंशाल्लाह जी। बाकी ये कि फार्मर्स हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि जो इरफान साहब के थ्रू जाएगा हमारी माशाल्लाह अभी सारी चीज़ें हो गई हैं कुछ दिनों तक हम कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेंगे उसमें ये है कि जो भी चूजा मिलेगा खान साहब अभी बता रहे थे कि दो कंसर्न हैं अफगान फार्मर्स के एक तो ये है कि उनको जिंदा सलामत और ठीक ब्रीड मिले इसकी गारंटी हम देते हैं कि जो बुकिंग भी इरफान साहब लुमन ब्राउन की करेंगे वो ठंडी को ठीक चूजा होगा। दूसरा उनका ये कंसर्न होता है कि वक्त में मिलेगा जी डेफिनेटली वक्त में मिलेगा जो हमारा स्टैंडर्ड है वही इरफान साहब फॉलो करेंगे तो अगर आप ये भी पश्तो में थोड़ा सा बता दें टाइम पे मिलेगा और प्योर ब्रीड मिलेगा जी दे तासना दे ना बेफिक्र हो इंशाल्लाह तासो तशमुंगा कम डेट खयो से कम डेट बने तासता चूजी डिलीवरी तासमुंगा दर को हम आगा डेट बन बताते इंशाल्लाह अलता चूजा मिलावेगी और इंशाल्लाह सही सलामत चूजा बताते इंशाल्लाह अलता मिलावेगी और जैसे चूजा तास याद इंशाल्लाह हम दा ऑर्गेनिक वैल्यू वाला चीज हम ददी चूजा बताते इंशाल्लाह मिलावेगी और दागे इंशाल्लाह तासो बिल्कुल बेफिक्र हो से इंशाल्लाह ले जी फार्मर्स माशाल्लाह जो है ना मुझे आधा समझ आ गया खान साहब ने क्या कहा तो इंशाल्लाह हम बैक पे बैठे हैं इरफान साहब की जो भी कमिटमेंट्स होंगी उसको कंपनी भी ऑन करेगी और इंशाल्लाह इरफान साहब भी उसको लेके चलेंगे और आप सब हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि आज की जो एक स्टेप है ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान में फार्मर्स मौजूद हैं वो ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्रीड मैं खान साहब यही कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए और अपने अफगानी भाइयों की ग्रोथ के लिए हम काम कर सकें और ये बता रहे थे कि गोल्डन मिश्री का जो चूजा जाता है उधर जाकर फार्मर के पास परेशान होता है फार्मर ना क्योंकि अभी उधर हेचरीज नहीं है ब्रीडर्स नहीं है तो चूजा सारा इधर से जा रहा होता है तो अच्छा ब्रीड जाएगा अल्लाह ताला उनको भी रिस्क हलाल देगा पाकिस्तान में भी जरा मुबादला आएगा तो ये एक कह लें कि विन विन सिचुएशन होगी तो इसमें आप सबकी दुआ की जरूरत होगी। मैं आपका एक बात काट रहा हूँ के बारे में इनको उधर से पूछ रहा हूँ मैं बताना चाहता हूँ चढ़ गए इनसे माशाल्लाह दा चे देखा ना हर यो ब्रीड ताफ वाख ले हो गोल्डन वाख ले होलियर वाख ले दा टोल ना बेहतर आदा दा चे दे वजन ले हाथ सारा चे देखा ना दे वजन माशाल्लाह डेर खा वजन दे सही दा अंडे प्रोडक्शन सरम द डेरा खप प्रोडक्शन कहीं लगा वाइट लेयर न खप दा तकरीबन 95% तक 95% तक दा प्रोडक्शन रहा सही और दा दे बने खर्चम चे दस दा गोल्डन खर्चा तो दे बने मार खर्चा रहा दी चीज़ गोल्डन चर का सोमना फड़ा खुरी सोमना पैसों के चे दे दा घटी गिनो आगो हम ना चे दे का ना लोहमेन हम चे दे खर्चा पे यो दा सही दा लगा हर यो ब्रीड ची एस्ट्रोफ ही वो आर आई आर हुई वो गोल्डन हुई दी टोल अंड वाला सोमना चर गिर दे बने खर्चा यो दा टोल बने यो खर्चा रहा दी खुद दे ब्याह चे दे फायदा चे दे कन लोहमेन चे दे कन दा यो दा प्रोडक्शन लिहाज से रहता तो बेहतरीन ब्रीड दे दा सही दा और दा दे अंडे साइज उम डेर खा साइज दे सही दा वजन उम डेर खा दे नो दा ता सो ट्राई हो के लोहमेन इंशाल्लाह ता सो बतेन खुशहाल ही है देना ये खान साहब थोड़ा सा दिखा दें आदिल आप भी बेटा जो है ना कि ये लोमन का अंडा होगा जो वाइट लेयर के वजन के बराबर है और माशाल्लाह जो है ना आप देखें 60-65 ग्राम का अंडा 60-65 ग्राम का वाइट के बराबर होगा बिल्कुल और दा जी मुंगा देता कोरने अंडा मेली छू सही दा जी दा कोरने अंडा दे जी और दा ता सो कोरे अंडा जी चेक के हां तो फार्मर्स आप ज़रूर दुआ कीजिएगा कि ये हमारा एक नया इनिशिएटिव है इसमें इरफान साहब को भी अल्लाह ताला जो है ना कामयाबी दे और ऑर्गेनिक वैली को दे और सबसे ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब करे। तो बाकी इस वीडियो में हम इरफान साहब का नंबर भी साथ लगा देंगे और फर्दर जितने भी अफगानिस्तान के कस्टमर्स हों उनसे दरख्वास्त है कि हम उनको भी भेज देंगे आप इरफान साहब से डायरेक्ट भी रब्ता करें जो अफगानिस्तान के लिए लोमन है वो आपको इरफान साहब प्रोवाइड करेंगे इनके जो
तौर तरीके हैं वो ये खुद देखेंगे, हम ये गारंटी देते हैं कि ओरिजिनल ब्रीड जो है ना अरफान साहब से मिलेगी बेफिक्र इंशाल्लाह। बाकी ये कि आपका भी अगर कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300-9641-990 पे आप व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि ग्रेजुअल ग्रेजुअल जो प्रोग्रेस होती है आप तक शेयर करते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।